गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज है 27 अक्टूबर और जो है अभी में एक नया दिन है और नई सुबह है नैनीताल के साथ। आज हमारा थोड़ा प्लान है, पहले अलग अलग वीडियो आपको देखने के लिए मिलेंगी। नैना देवी वाला अलग मिलेगा, कैची धाम वाला अलग मिलेगा, गोलजू बाबा गए तो वहाँ का अलग मिलेगा और एक हनुमानगढ़ी है वहाँ का अलग मिलेगा। तो सेपरेट वीडियो सारी आपको मिलने वाली है, तो पूरा मज़ा आने वाला है। कैसा रास्ता है, क्या चीज़ है। अभी मैं हम सुबह उठे थे करीबन 5:30 बजे और 6-6:30 बजे तक हम तैयार हो चुके हैं। और मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ रूम की हालत। जो हमने ये एक रूम लिया था रात में, गेस्ट हाउस टाइप का, यहीं पे हमने अपना सारा सामान रख दिया था। अभी पवन भाई तैयार हो रहे हैं, रात में इन्होंने कटिंग भी करा ली थी अपनी कि नैनीताल में कटिंग कराऊँगा, तो देखता हूँ कि क्या कुछ नए तरीके के बाल आते हैं क्या। तो अभी आप देख सकते हैं, हाँ, पूरा जो है सामान पैकिंग पे है, सामान पैक हो चुका है और हम निकलेंगे। सबसे पहले सामान यहीं रख देंगे और नैना देवी के दर्शन करके आएंगे, क्योंकि नहा धो के सुबह सुबह गर्म पानी में, गीजर के पानी में नहा के मज़ा आ गया। और अभी एक चीज़ और देखो, अभी मैं टाइम हो रहा है 6:02 और 6 बजे का जो नज़ारा है वो नैनीताल का इस तरीके का आपको देखने के लिए मिल जाता है। भाई एक यहाँ पर मस्जिद है, बहुत बड़ी मस्जिद है, काफ़ी बड़ी है। सामने ये पूरी मस्जिद ही है, ठीक है, पता नहीं कहाँ से आ गई। तो भाई देख लो पूरा ये नज़ारा इस तरह का। और अभी मैं भाई जो है पूरा व्लॉग, पूरी वीडियो आपको अच्छे से मिलने वाली है, स्टेप बाय स्टेप मिलेंगी, तो बिल्कुल मिस मत करना। और जो रिलेटेड जानकारी है और इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा, साझा कर दूँगा। तो अभी चलिए हम चलते हैं और आपको नैना देवी के दर्शन कराते हैं। थोड़ा थोड़ी ठंडी में दिक्कत कर रही है ना। गुड मॉर्निंग गाइस, नैनीताल की एक नई सुबह के साथ आप देख रहे हैं डिस्टेंस ट्रैकर पर ये वीडियो। और अभी में हम निकले हैं, मैं और पवन भाई अपनी बाइक लेके, एक बाइक हमारी वहीं पे खड़ी हुई है हॉस्टल में और बाकी इस बाइक को लेके हम जा रहे हैं नैना देवी के मंदिर, क्योंकि नैना देवी का मंदिर है यहाँ से बहुत ही पास। और तो हमने सोचा कि सामान अभी कैरी नहीं करके ले जाएंगे, बैग लिया है ना मेरा, अच्छा, सिर्फ हम बाइक से, एक बाइक से ही जाएंगे। तो भाई निकल चुके हैं, अभी नैना झील के पास से होते हुए जाएंगे नैना मंदिर। हम आशा करते हैं कि देवी माँ हमारी यात्रा सफल करेगी और हमारी मनोकामना पूरी करेगी और आप लोगों के प्यार और देवी माँ के आशीर्वाद से हमारा चैनल चल जाएगा। तो अभी मैं आप नैनीताल की गलियों को देख सकते हैं, किस तरह की नैनीताल की गलियाँ हैं, सुबह का सीन क्या है, किस तरह का सुबह का सीन है। भाई कल जो है ना ये नैना झील के किनारे किनारे हम चल रहे हैं, कल यहीं पे हमने वोटिंग करी थी। और एक छोटा सा यहाँ पर टोल है, बाइक का तो कोई टोल नहीं है यहाँ पर, लेकिन फोर व्हीलर का टोल होता है। और भाई अक्टूबर में दिवाली से पहले का मौसम बड़ा ठंडा है, रात हमें एक रिजाई और एक ब्लैंकेट लेके सोना पड़ा और इसके बाद जो है
बड़ा ही ठंडा मौसम है, और जो है बिल्कुल जैसा हमारे यहाँ पर जनवरी स्टार्टिंग में या दिसंबर लास्ट में होता है, और धुंध ना हो और हल्का हल्का पाला टाइप का जो होता है, इस तरह का मौसम है। और जैकेट पहन रखी है, और जैकेट पहनने के बाद भी उसमें कहीं से हवा लगी जाती है, तो इस तरह का जो मौसम है। चलिए नैना झील चलते हैं, आपको दिखाता हूँ सारी चीजें, चलिए वहीं चल के बात करते हैं। यही लगा दो है ना, एवरीवन। अभी हमने माता नैना देवी माता के दर्शन किए हैं, और आप जो ये देख पा रहे हैं मेरे बैक साइड में, ये नैना देवी जी का मंदिर है जो नैना झील के ही पास है, और यहाँ पर एक छोटी सी मार्केट है लोकल की, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह की ये मार्केट है जो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। मंदिर का जो ओरा है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा मंदिर में लगता है। मंदिर की छोटी सी क्लिप मैं आपको दिखा दूंगा। वैसे तो मंदिर के अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करना निश्चित है, यानी कि आप नहीं बना सकते, और लिखा हुआ भी है मंदिर के जो है द्वार पे भी और बाकी मंदिर के अंदर भी। और बाकी जो है अभी हम सुबह सुबह मॉर्निंग का समय है, तो प्रसाद की दुकान तो खुली नहीं थी, तो प्रसाद तो नहीं ले पाए, लेकिन हमने वहाँ जो दान पात्र में जो पैसे चढ़ाने होते हैं वो चढ़ा दिए हैं। अभी इस तरह का ये लोकल का मार्केट है। यहाँ एक धर्मशाला भी है जो नैना देवी मंदिर की ही है, ये ट्रस्ट के द्वारा है। एक छोटी सी धर्मशाला है, आप देख सकते हैं, ये छोटी सी एक धर्मशाला है जहाँ पर अगर कमरा अवेलेबल हो तो आप रुक भी सकते हैं। ये मार्केट है, हाँ यहाँ आप देख सकते हैं, ये एक छोटा सा मार्केट है जो नैना देवी के बिल्कुल मंदिर के बाहर ही है। चलिए अभी जो है नैना देवी की जो वीडियो है वो तो हम यहीं पे स्टॉप कर देते हैं, और जो है अब आगे हम कैची धामिया जहाँ भी जाएंगे वहाँ की आपको सेपरेट वीडियो मिलने वाली है। तो आपको कैसा लगा नैना देवी का मंदिर? और बिल्कुल झील के किनारे है, नैना झील जो है उसके किनारे पे ही मंदिर बसा हुआ है। तो भाई कभी आओ तो ये मिस मत करना, नैना देवी के दर्शन करना, हाँ प्रसाद चढ़ाना, भोग चढ़ाना, और बाकी अगर दान पात्र में भी कोई डाल सकते हो तो डालना, क्योंकि वो सारा पैसा जो है मंदिर के विकास के लिए ही यूज़ किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज़। अभी मैं नैना देवी के दर्शन हो चुके हैं, नैना देवी का जो मंदिर है नैनीताल में, वहाँ से हमने दर्शन कर लिए। बड़े अच्छे दर्शन हुए, बिल्कुल फर्स्ट क्लास एकदम, कोई भीड़ भड़ाका नहीं था। अभी मैं अक्टूबर के महीने में, वैसे भी जो है ना भीड़ भड़ाका है नहीं नैनीताल में, तो अच्छा है। हो सकता है दिवाली का समय है, दो दिन बाद दिवाली है, तो इस वजह से हो सकता है कि भीड़ ना हो। लेकिन अभी मैं अपने हॉस्टल आ गया हूँ, और हॉस्टल का मैंने रात में थोड़ा सा सुबह सुबह दिखाया था, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। हॉस्टल से आपको ऐसा व्यू देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। ये जो है ये सामने एक मस्जिद है भाई, बहुत बड़ा एरिया घेरा हुआ है, बहुत बड़ी मस्जिद है, ठीक है। और बाकी जो है इस तरह का देखिए आप, ये जो हॉस्टल लिया है ये हमारा रूम है जो हमने रात में स्टे करने के लिए लिया था। तो बिल्कुल ये अलग अलग टाइप के हैं, और जो है करीबन 1000-1200 रुपये पर नाइट के हिसाब से ये,
आपको चार्ज करते हैं, पड़े जाते हैं। तो ये सारा हॉस्टल ही है, हॉस्टल ही है सारे ये। और बाकी यहाँ पर जो है ना, आप अगर आते हैं अपने फोर व्हीलर से या पब्लिक कन्वेंस से, तो आप यहाँ स्कूटी या बाइक भी रेंट कर सकते हैं। वो अलग अलग रेट होते हैं, किसी के 1000, किसी के 800, किसी के 1500, वो बाइक के ऊपर डिपेंड करता है, तो वो भी कर सकते हैं। तो नैना देवी वाले ब्लॉक में तो आपको देखने के लिए इतना ही मिलेगा। अब अगली जो हमारी यात्रा, जो जर्नी होने वाली है, वो कैची धाम की होने वाली है। कैची धाम जाएंगे, वहाँ पर देखते हैं कि आपको कैसे दर्शन हो पाएंगे आज, क्योंकि शनिवार है और शनिवार में भीड़ होती है वहाँ पर। तो देखते हैं कैसे दर्शन होते हैं। चलिए मिलते हैं एक नई नेक्स्ट वीडियो में।